नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल आवाज लैंग्वेज। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। बुरहानपुर में यातायात पुलिस एक्शन मोड में, कल के एक्सीडेंट की घटना को लेकर यातायात पुलिस रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रहा है। वाहन धीरे चलाएं, शहर में कम स्पीड में चलाएं। यातायात पुलिस अपना वाहन इंटरफेक्टर, जो कि इस वाहन में मशीन लगी है, हाईवे रोड पर खड़ा करके दूर से आने वाले वाहन की जांच कर सकते हैं। SI मनोज धुर्वे ने बताया कि मशीन आने वाले वाहन की स्पीड बता देती है कि वहां कितने स्पीड में चल रहा है। मशीन ऑटोमेटिक है, वह मशीन में सब रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके कारण एक्सीडेंट में कमी आएंगे। आज शाहपुर बस स्टैंड पर एक भी अपे ऑटो नजर नहीं आई। बुरहानपुर से अनिल महाजन की रिपोर्ट। चलानी कार्रवाई समय यातायात से इंटरसेप्टर वाहन है, इसमें जो है तेज गति से जो भी वाहन आता है उसको कैप्चर करता है और यहाँ पर उसके रीडिंग बता देता है कि कितनी स्पीड में आपका वाहन चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर 30 की स्पीड पे बोर्ड लगे हैं और जो है इसमें जो अधिक 30 से अधिक वाहन गति तेज चलाता है उस पर जो है चालानी कार्रवाई होती है। उसका 1,000 रुपये छोटे वाहन के ऊपर है और 3,000 रुपये बड़े वाहन के ऊपर। तो इसकी निरंतर पर डे जो है इसकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। और उसके बाद बिना सीट बेल्ट के जो वाहन चलाता है उस पर 500 रुपये का संबंध शुल्क वसूला जाता है। सर, मशीन से ये जांच हो जाती है कि कितने स्पीड में? हाँ, ये मशीन अपने आप ऑटोमेटिक कैप्चर करती है कि गाड़ी कितनी स्पीड पे आ रही है। आपका नाम? SI मनोज वर्मा, थाना यातायात। तो ऐसे ही नई नए ताजा अपडेट के लिए बने रहिए आवाज इंडिया न्यूज पर। अगर आप आवाज इंडिया न्यूज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।